डॉक्टर जी साहब मैं बात करना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति, आपने बताया कि सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें भी मेडिकल लीगो कराना चाहिए, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, अगर कोई साथी जो है लेके आता है अगर आपके पास, तो क्या उसका भी मेडिको लीगो किया जाता है, और उसके साथ में जो आता है क्या उससे भी पूछताछ की जाती है, पुलिस करती है? लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी आपके साथ जो उसे लेके आया है, चाहे वो पुलिस लेके आई हो, चाहे उसके रिश्तेदार लेके आए हों, जी चाहे कोई अनजान व्यक्ति जो सड़क पर उस समय बैठा हो वो लेके जी आओ, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी आप सबसे पहला काम पेशेंट का इलाज करेंगे, जी आप उसका मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाएंगे। मेडिकल लीगल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उसके बारे में लिखना कि वो कहाँ से, क्या नाम है उसका, पता, उसका बाप का नाम, उसका क्या कहते हैं, उसका मार्क बर्थ ऑफ मतलब मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया, और उसको क्या क्या चोटें लगी हैं जी और उस चोटों के लिए हम क्या क्या जांचें करा रहे हैं। जी इतना ही होता है, उसका थंब इंप्रेशन लिया जाता है जिससे कि वो अटेस्ट हो जाए कि उसी पेशेंट का वो करा गया है, जी ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट हैंड पुलिस को दे देते हैं। जी डॉक्टर, अगर बात करें कि अगर दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, अगर वो साथ में लेके आते हैं उसके साथ ही, अगर उसकी मौत हो जाती है तो क्या उसका पोस्टमार्टम करवाना जरूरी होता है? ज़रूरी तो नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम जो क्या कहते हैं उसके जो रिश्तेदार जो आए हैं वो क्या चाहते हैं। अगर वो लिख दे, अगर हमारे पास मेडिको लीगल बनेगा तो हम उसे क्या कहते हैं उसको पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हम मॉर्चरी में बॉडी को शिफ्ट करेंगे और हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। जी अभी पुलिस का काम है वो पंचनामा भरना। जी पुलिस देखेगी एविडेंस उसके पास अब तक आ चुके होंगे, वो उसको जांच करेगी कि ये वास्तव में नेचुरल मौत थी या कोई एक्सीडेंट हुआ था। जी तो पंचनामा भरा जाता है, पंचनामा में डिसाइड होता है कि उसका मेडिको लीगल उसका पोस्टमार्टम करना है कि या नहीं करना, नहीं है। करना है। तो ये काम पुलिस का है, वो डिसाइड करती है कि पोस्टमार्टम किसका होगा किसका नहीं होगा। अगर रिश्तेदार मना कर देते हैं कि हमको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना है, और वो लिखित में देंगे कि हमें किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, उस पर साइन करके देंगे, तो फिर पुलिस पंचनामा भर के उनको बॉडी सौंप देगी। जी लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि हमें इस पे केस करना है, हमें इस पे लड़ना है, कानूनी रूप से हमें लड़ना है, तो फिर उसका पोस्टमार्टम होना अनिवार्य है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बात करूं, अगर कोई महिला अगर घर में जल जाती है और ऐसा केस अगर आपके पास आता है तो क्या उसका भी मेडिको लीगल किया जाता है? बिल्कुल होगा, हर जले हुए मरीज का मेडिको लीगल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि घरेलू हिंसाएं हिंदुस्तान में बहुत होती हैं, जी तो हमें नहीं मालूम वो स्वयं जली है कि वो किसी के द्वारा जलाई गई है, तो उसका मेडिको लीगल होगा ही होगा, पुलिस इंफॉर्मेशन जाएगी ही जाएगी। फिर वो उसके ऊपर है, पेशेंट के बयान के ऊपर है कि पेशेंट क्या बयान देता है कि उसके साथ जाती हुई कि नहीं हुई, और उसके रिश्तेदार क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। जी डॉक्टर, अगर बात करें कोई अगर मेडिको लीगल नहीं करवाए तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप समय क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, जी तो उसको लिखित में देना पड़ेगा, उसके रिश्तेदारों को लिखित में देना पड़ेगा, और उस पेशेंट को भी लिखित में देना पड़ेगा, जी उसको साइन करने पड़ेंगे कि मुझे कोई कानूनी कार्रवाई करनी नहीं है। हाँ, इसमें एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बोल सके, कुछ बता सके कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ जो रिश्तेदार लेके आए हैं उनकी उनकी गवाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनको साइन करने होते हैं। बस ज़रूरी है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अगर पेशेंट जिंदा है और वो बोलचाल कंडीशन में है, तो उसका बयान लिया जाए कि उसे मेडिको लीगल कराना है कि नहीं कराना है, नहीं करवाना है। फिर भी अगर मान लीजिए 24 घंटे बाद पेशेंट को लगता है कि उसको मेडिको लीगल की ज़रूरत थी और उसका मेडिको लीगल नहीं हुआ, जी तो मेडिको लीगल 24 घंटे बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और पुलिस इंफॉर्मेशन जा सकती है। जी अगर डॉक्टर बात करो कि कभी कभी देखा जाता है कि स्वयं जो व्यक्ति होता है उसका अगर मान लीजिए उसकी कार जो है पेड़ से टकरा गई या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या अगर वो डॉक्टर के पास आता है क्या उसका भी मेडिको लीगल किया जाता है? देखिए, हमें तो नहीं मालूम कि वो पेड़ से टकराई है, कि वो कार का कहाँ से टकराई है, कि वो दारू जी पिए हुए था कि नहीं पिए हुए जी थे, वो तो एनालिसिस में पता चल जाता है, पर जी हमें तो नहीं मालूम। जी हमारे लिए तो वो व्यक्ति चोट खाया हुआ आया हुआ है, हमारा उसका इलाज करना हमारी प्राथमिकता है, हमने तो इलाज अपना कर दिया। जी साथ के साथ जो मेडिको लीगल है, हमें कुछ नहीं मालूम कि दुर्घटना स्थल पर क्या हुआ था, जी हम तो उसका मेडिको लीगल बनाएंगे बनाएंगे। हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि उसके रिश्तेदार ये बोलते हैं कि हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, नहीं करनी। देखिए, मेडिको लीगल का इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए वो करना बहुत जरूरी है। जी ये ऐसी कंडीशन में किसी की मौत हो जाती है, मान लीजिए, और उसने कोई इंश्योरेंस ले रखा है या किसी तरह का कोई उसको बीमा ले रखा है उसने, तो अगर उसे वो क्लेम करना है तो उसके लिए भी उसे मेडिको लीगल रिपोर्ट उसे
देनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में भी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप ये लिख के देते हैं कि आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है जी, तो उसका मेडिको लीगल हो सकता है, नहीं बनेगा जी, पर आपको आगे चल के हो सकता है दिक्कत हो जाए। मेडिको लीगल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कानूनी रूप से किसी केस में फंस रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं है ये जी, ये आपको समझना होगा, ये कोई एफआईआर नहीं है कि हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया आपके खिलाफ, केस रजिस्टर्ड हो गया जी। मेडिको लीगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक पुलिस इंफॉर्मेशन गई है कि आपके साथ ये हुआ है जी। मान लीजिए कोई आपके साथ कोई रिश्तेदार नहीं आया, पुलिस आपको लेके आई जी, हमें तो नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ दुर्घटना स्थल पे जी, पुलिस को भी नहीं मालूम क्या हुआ, आप बेहोश पड़े हुए थे, आपके पैर से खून निकल रहा था, आपको नहीं मालूम कि चोट कैसे लगी, जी पेशेंट इस हालत में नहीं है तो आपको तो कुछ नहीं मालूम, तो आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पुलिस इंफॉर्मेशन इसको इन्वेस्टिगेट करे और ये देखे कि ये वास्तव में कोई केस करने लायक है कि नहीं। अगर सामने वाला केस करेगा जी तभी तो केस बनेगा। जी हम मेडिको लीगल कोई करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई केस कर दिया है पेशेंट के ऊपर जी, हमारी सिर्फ इतना है कि पुलिस को एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि आपके साथ ये हुआ है जी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये पहुंची है। उसके बाद आप स्वस्थ होकर जब आप अस्पताल से निकले, पुलिस आपके आपसे पूछे कि आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, आप मना कर दीजिए कि मुझे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, खत्म हो गई बात। अब मान लीजिए इसका दूसरा पक्ष है, मान लीजिए आप ये बोल रहे कि मुझे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, ठीक है आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी जी, क्योंकि आप विक्टिम ना होके आपने एक्सीडेंट करा जी, आपका दूसरा पक्ष जो है मान लो दो कारों में लड़ाई वो हुई जी, ठीक है उसमें से एक ये मान रहा है कि मेरी तो गलती थी जी, और दूसरा ये मान रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, नहीं थी, तो जो गलती नहीं मान रहा, जो गलती ये बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, वो तो आ गया आपके पास जी, और उसने बोला कि मुझे तो कोई कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन सामने वाला पक्ष तो गया कार्रवाई करने के लिए, उसे तो लगता है कि आपकी गलती थी, गलती थी, फिर आप क्या करेंगे जी। तो इस कंडीशन में भी आपको ये नहीं मालूम कि सामने वाला विक्टिम है कि वो कल्प्रिट है जी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबका मेडिको लीगल कराना जरूरी है। डॉक्टर अगर बात करूं, आपने बताया कि दुर्घटना में अगर या अगर कोई अगर बेहोशी में अगर लेके आए साथ में तो उसका मेडिको लीगल कराया जाता है। अगर मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर डिलीवरी में अगर कोई महिला आती है तो देखा जाता है कि कभी कभी महिला की मृत्यु भी हो जाती है, तो क्या उस टाइम पर भी मेडिको लीगल कराना ज़रूरी होता है? देखिए एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि इलाज में लापरवाही जी, ठीक है, तो उसमें पहले तो कोई मेडिको लीगल हुआ नहीं है जी, तो मेडिको लीगल नहीं होगा, इसका पोस्टमार्टम होगा जी। उसमें अगर मरीज को ये लगता है या उनके रिश्तेदार को लगता है कि इलाज में कोई लापरवाही हुई है तो उसका कोई मेडिको लीगल नहीं बन रहा है जी। लेकिन अगर वो चाहता है कि उसका पोस्टमार्टम हो जी, तो पुलिस इंफॉर्मेशन जाएगी, उसका पोस्टमार्टम होगा जी। आप वो लिख के देगा कि हम इसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल्स आप उसे पोस्टमार्टम के लिए करेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, फिर उस हिसाब से होगा जी। डॉक्टर अगर बात करूँ मेडिको लीगल के बारे में, लोगों में कितनी अवेयरनेस है, क्या लोग अगर आप अगर उनसे कहते हैं इलाज से पहले कि आप मेडिको लीगल करवाइए तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या लोग सीधे से मान जाते हैं करवाते हैं या फिर उसके प्रति आनाकानी करते हैं? देखिए मेडिको लीगल करना हमारी जिम्मेदारी है, पेशेंट चाहे या ना चाहे जी, पहली चीज तो ये है जी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हाँ पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो करवाना चाहता भी है कि नहीं कर चाहता जी। कई बार लोग समय व्यस्त होने की वजह से कई बार उसको टाल के लिखवा देते हैं कि हमें नहीं कराना है जी, वो अपने अपना प्रेरोगेटिव है, पर जो भी चोट खाया हुआ व्यक्ति हो या उसका उसने पॉइजन खाया हो या बर्न का पेशेंट हो या किसी तरह का रेप विक्टिम हो या किसी तरह की सुसाइडल टेंडेंसी हो या फांसी लगाया हुआ हो या जिस तरह से भी ऐसा लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि इसमें कोई फेलिशियस एलिमेंट है जी, ये नेचुरल नहीं है, विच इज अननेचुरल, तो उसका आपको मेडिको लीगल करना चाहिए जी, ठीक है। ये मेडिको लीगल करना आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ये किसी और के लिए नहीं है। इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो जाती है, आपकी उस समय की स्थिति एक कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हो जाती है जिसको MLC रिपोर्ट बोलते हैं जी, ठीक है। उसके बाद बाकी आपकी फाइल बनेगी, उसके अंदर सारी जांचें वाँचें सब चीज़ें होंगी, पर वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपकी पुलिस को पहुँच जाती है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे से पुलिस से बोलना है कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, खत्म हो गई बात, लेकिन आपकी बात पुलिस तक तो पहुँच गई। हो सकता है कि आपको ये लगे कि किसी ने आपको गोली मार दी जी, ठीक है, अब गोली तो सामने वाला ही मार सकता है, आप गोली साफ कर रहे हो तो आपको खुद भी लग सकती है जी, कैसे लग सकता, कुछ भी हो सकता है जी। इसमें आप कैसे जान लेंगे कि खुद लगाई है कि उसने के सामने वाले ने मारी जी, तो हमें तो मेडिको लीगल करना है, ये सामने वाले का प्रेरोगेटिव है कि वो केस करना चाहता है कि नहीं केस करना, नहीं करना चाहता। अगर वो केस करना चाहता है तो उस MLC की उसकी इंपॉर्टेंस है, अगर वो नहीं करना चाहता तो फाइल वो एक कागज है वो बना हुआ है, उसका कोई वो बचत नहीं है, उसे सिर्फ पुलिस को ये लिख के देना है कि मेरे को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, खत्म हो गई बात जी।
दर्शकों, हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर अनुभव गोयल, जो कि जनरल सर्जन हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। इससे आज हम बात कर रहे हैं कि मेडिको लीगल क्या होता है, मेडिको लीगल कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे साथ अनुभव गोयल मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं मेडिको लीगल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आखिर ये होता क्या है। डॉक्टर, अब मैं जानना चाहूँगा इसके साथ, अगर कोई बच्चा अगर छत पर खेल रहा है, अगर वो ज़मीन पर गिर जाता है, छत से अगर वो नीचे गिर जाता है, अगर उसको इलाज के लिए लेकर आते हैं, तो क्या उसका भी मेडिको लीगल करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो छत से गिरा है, आपको नहीं मालूम वो स्वयं छत से गिरा है कि उसको किसी ने धक्का दिया है। जी देखिए, हमने आपको पहले बताया कि मेडिको लीगल केस का मतलब ये है कि एनी केस विच इज़ अननेचुरल। जी, आपको हार्ट अटैक हुआ है वो नेचुरल है, आपको पेट में दर्द हो रहा है वो नेचुरल है, आपको क्या कहते हैं अस्थमा की बीमारी है वो नेचुरल है। जी, आपको कहीं दर्द हो रहा है वो नेचुरल है, बुखार आ रहा है नेचुरल है, डायरिया हो रहा है आपको, क्या कहते हैं कब्ज बना हुआ है वो नेचुरल है। कोई भी अननेचुरल चीज़ जो कि नेचुरल नहीं है, जी, उसमें कोई फैलिशियस एलिमेंट हो सकता है जी, और नहीं भी हो सकता है जी। ये जाँच का विषय है कि वो है कि नहीं है। जी, अगर मान लीजिए बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते नीचे गिर गया, मैंने आपकी बात मान ली जी, ठीक, पर हमें तो नहीं मालूम को खेलते खेलते नीचे गिर गया कि किसी ने उसे धक्का दे दिया है, तो ये हम कैसे जाने? ये तो जांच का विषय है ना जी। तो हमारा काम है पुलिस को फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन देना, पुलिस का काम है उसको जांच करना और उस पर एक रिपोर्ट बना के देना कि ये इसमें कोई भी फैलिशियस एलिमेंट है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए बच्चा खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, बाहर खेल रहा था, 15 लोग खेल रहे थे, कुछ लोग खेल रहे थे जी, बच्चे को चोट लग गई, अब वो बॉल से लगी हो, उसको क्रिकेट खेल रहा था, बैट किसी ने बल्ले से बॉल मारी तो उसके लग गई, उसको चोट लग गई जी, ठीक है, तो क्या मेडिको लीगल में आएगा? बिल्कुल आएगा जी। अब यही चीज़ एक चीज़ हो सकती है कि मान लो किसी ने बॉल फेंक के मार दी उसे जी, जानबूझ के मार दी, लड़ाई में मार दी, तो हमें तो नहीं मालूम ना कि उसको बॉल कैसे लगी जी। तो इस चीज़ के लिए हमें तो मेडिको लीगल करना है और पुलिस का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना जी। बिल्कुल डॉक्टर्स, अगर मैं बात करूं, यदि किसी व्यक्ति को अगर गोली लगती है, तो अगर उसका अगर इलाज करवाया जाता है या उसका ऑपरेशन अगर होता है, तो क्या उस समय पर उसके जो मेडिकल लीगल अगर करा जाता है, तो उस समय किस तरीके की रिपोर्टें होती है, उसमें क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मेडिकल लीगल बनना है वैसा तो बनेगा ही बनेगा, उसमें एंट्री वुंड आपको दिखाना होगा कि एंट्री है कि नहीं है, और पीछे भी दिखाना होगा जी। दूसरी चीज, आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एक्सरे के थ्रू, सीटी के थ्रू, कि उसके अंदर गोली इस समय मौजूद है या नहीं, के नहीं है जी। कई बार आपके पास ऐसे भी केस आते हैं, फॉल्स केसेस आते हैं, वो ये बोलते हैं कि मुझे गोली लगी है, पर आपको कोई ऐसा साइन नहीं मिलता है कि उसको गोली लगी है, लेकिन मरीज बोल रहा है कि उसे गोली लगी है जी। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? आपको आपका काम क्या है? आप एक डॉक्टर है, देखिए हम एक ट्रीटिंग फिजिशियन है, हम ट्रीट कर, हमारा काम ट्रीटमेंट करना है, ना कि किसी को कानूनी किसी चीज में पढ़ना है। हमारा काम ये, अगर वो मुझसे बोल रहा है कि मुझे गोली लगी जी, मेरे को साफ साफ दिख रहा है इसे गोली नहीं लगी है जी, ठीक है, पर मैं फाइनल जजमेंट नहीं, अगर वो मुझसे बोल रहा है कि गोली लगी है, मेरा काम है एक मेडिको लीगल बनाना, जो मुझे दिख रहा है, जितनी चोटें मुझे दिख रही हैं, जितनी जगह मेरे को घाव दिख रहा है, वो सारा का सारा उसमें नोट करना, उसके उसी उस जगह को करस्पॉन्डिंग करके उसके एक्सरे कराना, उसकी जाँचें कराना, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देना जी। अगर उसको गोली लगी है तो उसके गोली उसके शरीर में होनी चाहिए जी, वो दिखेगी एक्सरे के अंदर। एक कंडीशन होती है, गोली लगी और निकल गई जी, तो ये भी पता चला गोली लगी थी, निकल गई, निकल तो गई। दो, 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 दो उसके छेद होंगे, एक जगह जहां से गोली गई और एक जगह से जहां से गोली निकली तो जी। ये काम जांच का विषय है, ये तो फिर आगे होगा। अब मान लीजिए हम किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, उसको गोली लगी थी और गोली अंदर है, मान लीजिए पेट के अंदर है, हमने उसका ऑपरेशन करा जी। अब इसके अंदर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि गोली के लिए ऑपरेशन नहीं कराया जाता। कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि मेरे यहाँ पे गोली लग गई है जी, गोली निकाल दो जी। गोली निकालने के लिए ऑपरेशन नहीं कराया जाता है जी, ऑपरेशन कराया जाता है उस गोली से हुई तकलीफों से जी। मान लीजिए आंख फट गई है, लिवर फट गया है जी, या कोई और डैमेज हो गया है, उस डैमेज को या ब्लीडिंग हो रही, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन कराया जाता है। जब ऑपरेशन कराया जाता है, साथ साथ गोली भी निकाल दी जाती है जी। लेकिन सिर्फ गोली निकालने के लिए ऑपरेशन जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि गोली जो लगती है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से जाती है, उसमें काफ़ी गर्माहट होती है, तो अपने आप में वो स्ट्राइल होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन या होने की चांसेस
ना के बराबर होते हैं जी डॉक्टर। अगर अगर मान लीजिए हमने निकाली गोली, हमने जैसे निकाल ली जी, तो उसको हमें प्रिजर्व करना होगा जी, उसको हमें बकायदा एक डिब्बी के अंदर डाल के उसको पूरा सील करके उसको रखना होगा और उसे फिर पुलिस को हैंडओवर करना होगा कि वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उस गोली से ये पता चलेगा कौन सी बंदूक से चली थी गोली जी, कितने डिस्टेंस से चली थी जी, बहुत सारी चीजें होती, कितने डिस्टेंस से चली, कौन सी बंदूक से चली, तो ये सब जानने के लिए पुलिस के लिए काफी आसानी हो जाती है। इसलिए उस गोली को प्रिजर्व करके उसको आपको पुलिस को हैंडओवर करना होगा जी। डॉक्टर, उसके साथ में अगर मैं बात करूँ रेप विक्टिम के बारे में, अगर ऐसे केस अगर आपके पास आते हैं तो उसका मेडिको लीगल किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये काफी वैसा केस होता है, तो इस उसमें महिला का किस तरीके से उसमें मेडिको लीगल किया जाता है? कोई भी महिला, चाहे वो रेप विक्टिम हो चाहे वैसी हो, अगर वो मेडिको लीगल के लिए आती है तो उसमें एक एक डिक्टम है कि उसके साथ एक फीमेल अटेंडेंट या फिर एक फीमेल कर्मचारी होना चाहिए करने के लिए। और जो फीमेल एग्जामिनेशन जो होता है वो जनरली गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा करा जाता है जी, ठीक है, और वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें वो अपनी 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 जो भी फाइंडिंग्स हैं वो लिखेंगे। पर जो भी ये कर रहा है उसके साथ साथ पहले तो अटमोस्ट केयर, उसको एक आपको एनवायरनमेंट, एक सूदिंग एनवायरनमेंट देना होगा, पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार मरीज लेटे हुए हैं वहाँ पर आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं या किसी भी फीमेल का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आपको उससे अटमोस्ट प्राइवेसी देनी होगी कि उसको के उसके लिए करा जाए। और उसके साथ एक फीमेल अटेंडेंट या फिर फीमेल कर्मचारी होना बहुत ज़रूरी है जी, उसके बगैर मेडिको लीगल या किसी भी तरह की जांच, मैं मेडिको लीगल की क्यों बात करें, किसी भी तरह की जांच भी करना जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है जी। बिल्कुल डॉक्टर, के साथ अगर बात करूँ, अगर रेप विक्टिम जो होती है उसकी जो लैब रिपोर्ट होती है, तो उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, लेप विक्टिम नहीं या कोई भी मेडिको लीगल अगर कोई रिपोर्ट बनती है जिसके लिए हम MLC रिपोर्ट्स उसे लिखते हैं जी, तो हमेशा डुप्लीकेट में बनती है जी। जैसे आपने उसका एक्सरे लिखा, तो एक्सरे करने वाला उसकी दो कॉपी बनाएगा, एक कॉपी वो अपने पास रखेगा और एक कॉपी वो मरीज को देगा जी। वो अपने पास कॉपी रखता है रिकॉर्ड के लिए, मेडिको लीगल के लिए, कि फर्दर कोई पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी तो उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आप ये बताइए, मैंने आपको एक एक्सरे दे दिया जी, ठीक है, उसमें आपका नाम पता लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसका एक रिकॉर्ड मुझे रखना है, उस रिकॉर्ड में मैं आपके अंगूठे का इम्प्रेशन लेके रखूंगा जी, ठीक है। आपने वो रिपोर्ट चेंज कर दी जी, आपने वो एक्सरे चेंज कर दी, आपने बोला ये एक्सरे नहीं था, मैंने किसी और के एक्सरे आपने लगा कर दे दिया जी जी, तो मेरे पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है जी। जो कर रहा है उसके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने जो रिपोर्ट लिखी वो किस एक्सरे के आधार पर लिखी जी, या किस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर लिखी जी, या किस CT के आधार पर लिखी। कोई भी चीज होगी, अगर मान लीजिए CT भी अगर उसका हो रहा है तो उसकी फिल्म्स जो है वो डुप्लीकेट में निकलेंगी जी, और एक एक जो फिल्म है वो उसके थंब इम्प्रेशन के साथ डॉक्टर जो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अपने पास प्रिजर्व रखेगा जी, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम आती है जी, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मरीज अपनी रिपोर्ट बदल देता है जी, वो कहीं से और उसे बनवा लाया है रिपोर्ट, के एम ए रिपोर्ट जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट के वो सही है, रिपोर्ट वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए जो भी उसको रिपोर्ट जो कर रहा है वो अपनी कॉपी जो है वो डुप्लीकेट में बना के रखेगा और उसका थंब इम्प्रेशन लेगा, जिससे कि वो वेरीफाई हो सके कि ये जो रिपोर्ट थी ये इसी की थी। बिल्कुल ठीक डॉक्टर, इसके साथ अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, जो मेडिको लीगल कराया जाता है, तो क्या इसमें क्या फीस लगती है या ये निःशुल्क होता है? मेडिको लीगल हर जगह निःशुल्क है जी, उसकी कोई फीस नहीं है और ना ही लेनी चाहिए जी। डॉक्टर्स के बारे में अगर बात करूँ, क्या मेडिको लीगल हर जगह किया जाता है या लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस कितनी है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, हर सरकारी अस्पताल में मेडिको लीगल होता है, प्राइवेट अस्पतालों में भी मेडिको लीगल, जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स हैं, जहाँ पे चोट के ज़्यादा मरीज आते हैं, वहाँ पे मेडिको लीगल कराया जाता है जी। इसके साथ अगर बात करूँ डॉक्टर, मेडिको जो लीगल होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे इसमें लगते हैं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आप अपना नाम, पता, एड्रेस बताइए, कोई आपको वेरीफाई जो आप बताएंगे वो लिख दिया जाएगा, आपका बर्थ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखा जाएगा, आपका आपके बारे में चोटें जो है वो लिखी जाएंगी। हम ये मान के चलते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं जी, हम आपकी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मानते जी। इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी, कि जो उसको लेके आ रहा है जी, उसके प्रति भी बिल्कुल नरम व्यवहार, एक तरह का अटमोस्ट, आप एक वो एक मरीज को लेके आया है जी, ठीक है, उसको किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं होना चाहिए जी। अगर वो बोलता है कि मुझे बयान नहीं देना, तो उसकी बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो बयान नहीं देगा जी, ठीक है। हम जो मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाते हैं उसमें ब्रॉड बाय लिखते हैं जी, कौन लेके आया। अगर वो चाहता है कि उसका नाम नहीं लिखा जाए,
तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। जी ठीक, अगर पुलिस लेके आ रही है, पुलिस का नाम तो खैर जो कांस्टेबल लेके आएगा या जो पुलिस अधिकारी लेके आएगा उसका नाम तो लिखा जाएगा, वो तो एक अलग चीज़ हो गई कि ब्रॉड बाय पुलिस है। पर कोई भी सिविलियन अगर उसे लेके आता है, एक गुड फेथ में लेके आता है कि भैया मैं तो लेके आ गया, मुझे तो रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैं तो उसे लेके आ गया गुड फेथ में, जी अब आप उसी को फंसा दें, उसी से कानूनी चार चीजें पूछने लगे, तो उसके लिए भी टॉर्चर है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल एक क्लियर कट गाइडलाइंस है कि आप उसको एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। अगर वो बोलता है कि मुझे बयान नहीं देना तो आप बयान नहीं देंगे। अगर वो जी बोला है बयान देना है, आपको बयान मान लो आपको लगता है कि उसका बयान ज़रूरी है, तो आप उससे टाइम मांगेंगे, उसकी उसको आप पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे, जी वो जिस जगह आपको बताएगा कि इस जगह आप आके मुझसे इस टाइम पर मिलिए, उस टाइम पर पुलिस जाएगी उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जी तो मतलब आपको एक अटमोस्ट केयर जो उसका लेके आया है उसको आपको देनी होगी। आप क्योंकि वो आपको लेके आ गया, आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते जी कि आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाइए कि आप अपनी गवाही दीजिए, जी वो आप नहीं कर सकते। अगर वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं गवाही देने को तैयार हूँ पर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो अपनी जगह बताएगा, अपना टाइम बताएगा कि इस टाइम पर मैं इस जगह मिलूंगा, अब इस जगह मेरा बयान ले लीजिए, तो पुलिस वहाँ जाएगी और वो बयान लेगी। जी मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई साथ में परिजन, अगर कोई साथी संबंध लेके आता है तो उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि उसका नाम उस पर आएगा या हम उस पर उसका अगर वो स्टेटमेंट चाहे लेने तो के अपना नाम लिए। हटा सकता है, जी और अगर वो चाहता है कि उसको उसको कोई बयान देना है तो वो अपनी जगह प्रेफर करेगा कि जो वो चाहता है उसको बयान उसी हिसाब से लिया जाएगा, और चाहता है नहीं तो नहीं। अगर वो चाहता है कि हाँ मुझे बयान देना है या पुलिस को लगता है कि उसका बयान ज़रूरी है लेना, तो वो पुलिस उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो अपना बयान दें और वो उसको कंफर्टेबल करके बिना किसी हैरेसमेंट के उसका बयान लेगी। जी डॉक्टर, इसके साथ अगर मैं बात करूँ, अगर कोई महिला अगर वॉक करते करते अगर वो बेहोश हो जाए या उसके चोट लग जाए सर में, अगर ऐसी महिला को अगर लेके आते हैं अगर हम अस्पताल में, तो क्या उसका मेडिको लीगल किया जाता है? देखिए हम फिर आपने बोला ना, ये तो आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे कि वो गिर गई बेहोश हो गई, जी हमें तो नहीं मालूम कि आप पानी केले का छिलका पड़ा हो तो उससे फिसल गई, जी हमें तो नहीं मालूम किसी ने उसे धक्का दे दिया, क्या किसी ने जानबूझ के केला गिरा दिया, क्या उसने जानबूझ के क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं कुछ कर दिया, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि कोई भी ऐसी ऐसी अननेचुरल चीज़ जो हमारे सामने आई हमने उसका मेडिको लीगल कर दिया और पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी। जी बिल्कुल, बाकी पुलिस का काम है उसे इन्वेस्टिगेट करना, और उस महिला का जो महिला जब स्वस्थ हो जाएगी वो खुद अपने आप बता देगी कि भैया मेरे साथ क्या हुआ है। जी बिल्कुल, आपको क्या करना, अभी तो महिला बेहोश हालत में है। जी जी ठीक है, 3 दिन बाद वो स्वस्थ हो जाएगी, जी वो अपने आप खुद बता देगी भाई मेरे साथ क्या हुआ था, भैया अपने आप गिर गई थी, मेरे को किसी ने धक्का दिया, मेरे को जी किसी ने मारा पीटा, वो खुद बता देगी, वो जैसे बता देगी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने पहले से मेडिको लीगल नहीं कराया होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में क्या क्या चोटें थी, क्या क्या चोटें थी। जी बिल्कुल डॉक्टर, इसके साथ अगर बात करूं, क्या इसमें कोई एज लिमिट होती है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी का मेडिको लीगल होता है, 1 दिन के बच्चे से लेके जी 100 साल के बुजुर्ग तक, हर 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 उम्र में होता है। जी डॉक्टर, इसके साथ मैं जानूंगी कि लोगों में इसके प्रति कितनी अवेयरनेस है। अवेयरनेस अगर हम बोले तो अवेयरनेस तो है कि मेडिको लीगल होता है, कुछ लोगों में शंकाएं रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पुलिस केस हो जाएगा। जी तो ये कोई पुलिस केस नहीं है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके ही फायदे के लिए है। अगर आप ये कराएंगे तो आपको ही फायदा होगा, आपको एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पुलिस को चल जाती है। मान लीजिए कि आपको आज लग रहा है कि कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं था, ये तो अपने आप हो गया, लेकिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब मरीज स्वस्थ होता है तो खुद बताएगा कि नहीं मेरे साथ ये हुआ, तब आप क्या करेंगे? जी आपने तो अपना जो आपका जो मौका था वो तो आपने गवा दिया, आपने तो मेडिको लीगल कराया नहीं, तो आपका केस कमज़ोर होगा और कुछ नहीं होगा, आपका केस ही कमज़ोर होगा ना, सामने वाले का पक्ष मजबूत हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो इसलिए आपको कोई भी अगर ऐसी अननेचुरल मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका मेडिको लीगल करें। उस मेडिको लीगल करने से आप ही को फायदा है आगे चल के। अगर आपको पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है तो आपको सीधे एक स्टेटमेंट देना है कि मुझे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करनी, खत्म हो गई वहीं पर फाइल क्लोज, जी कुछ करना ही नहीं है उसके आगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह से किसी अत्यधिक तरह से कोई ना कोई अननेचुरल आपको कोई इवेंट हुआ है तो उसके लिए आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी। जी बिल्कुल दर्शकों, आज हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अनुभव गोयल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, जिनसे आज हमने चर्चा करी कि मेडिकल लीगल क्या होता है, कि मेडिकल लीगल कितना ज्यादा जरूरी होता है, लोगों के अंदर ये भ्रांतियां थी कि ये एक पुलिस केस होता है या इसको हमें नहीं करवाना चाहिए, हम इसमें फंस जाएंगे, इसके बारे में आज डॉक्टर ने हमको अच्छे तरीके से बताया कि ये कितना ज्यादा जरूरी है इसको करवाना। मगर दर्शकों, अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, इसी के साथ डॉक्टर मैं चलना चाहूंगी कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरी सलाह सिर्फ इतनी ही रहेगी कि जो भी अननेचुरल इवेंट होता है, चाहे आपके सामने हुआ हो आप हो, तो किसी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
ये कोई पुलिस केस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मरीज के लिए जो आया है उसकी एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट है, या एक आप बोलिए उसकी एक जो क्लिनिकल हिस्ट्री जो ली जाती है वो ली जाती है, एज एग्जामिनेशन होता है, और वही इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को दे दी जाती है कि मान लीजिए अगर उसके साथ कोई अननेचुरल इवेंट हुआ हो, कोई सैड इवेंट हुआ हो, तो उसकी उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंच जाए जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ले। अगर आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर कोई अननेचुरल इवेंट नहीं हुआ है या ये अपने आप हो गया है, तो पुलिस वहीं पर फाइल क्लोज कर देगी, आपसे एक स्टेटमेंट लिखवाएगी कि मुझे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, वहीं पर फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कराना ज़रूरी है, ये आप ही के फायदे के लिए है। जी बिल्कुल दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।